नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, अगर आपका मीन लगना है तो किस तरह से धन योगों को देखा जाए। इसके पहले हमने वीडियो बनाया है कुंभ लग्न तक के, जो धन योगों के बारे में जानकारी दी, उसी संदर्भ में आज जो आगे लास्ट जो वीडियो है धन योग के बारे में, वो मीन राशि का है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे हमें संसार से धन प्राप्ति के योग होते हैं, गुप्त धन प्राप्ति के योग होते हैं, अनायास धन प्राप्ति के योग होते हैं, शेयर मार्केट से धन प्राप्ति के योग, वसीयत से धन प्राप्ति का योग, या कुटुंब से या पिता से पैतृक संपत्ति धन प्राप्ति के योगों को कैसा देखा जाता है, वो उसकी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए कि मीन राशि का जो स्वामी होता है बृहस्पति, वो बलवान होना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे धन भाव का स्वामी है मंगल है, वो बलवान होना चाहिए। उसके पश्चात जो चंद्रमा बलवान होना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी भी मंगल है। धन और भाग्य स्वामी मंगल की अच्छी स्थिति होना चाहिए। और लाभ भाव के जो स्वामी बनता है वो शनि, उसकी स्थिति भी अच्छी होना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि लग्न के साथ साथ में धन भाव, लक्ष्मी भाव, भाग्य भाव और लाभ भाव के जो स्वामी है, अगर वो अपनी स्वराशि में हो, मंगल यहाँ स्वराशि का हो, चंद्रमा यहाँ स्वराशि का हो, मंगल यहाँ स्वराशि का हो, शनि यहाँ स्वराशि का हो, तो वो धन देने के योग बनाते हैं, अचानक धन देने के योग बनाते हैं। इसी प्रकार बृहस्पति चंद्र की युति भी अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो ये भी गज केसरी योग बना के आपको अच्छा धन देने का आप योग करेंगे, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छे भावों में होंगे तो वो आपको अच्छा धन योग देते हैं। ऐसे ही यहाँ मंगल की स्थिति भी यहाँ स्वराशि की, यहाँ स्वराशि के ये उच्च के होने पे भी अच्छे धन देने के योग बनते हैं। चंद्रमा का यहाँ पे गुरु उच्च का होके भी अच्छा धन देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्वराशि का गुरु, स्वराशि का गुरु और उच्च का गुरु, फिर मंगल के मंगल उच्च का स्वराशि का और शनि की स्थिति स्वराशि की जितनी अच्छी होगी, जातक को अच्छे धन देने के योग बन जाते हैं। तो अब हम जानेंगे किस तरह से अगर अगर आपके अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, अगर धन भाव का स्वामी जो मंगल है और यहाँ लाभ भाव का स्वामी शनि का आपसी परिवर्तन होता है, राशि परिवर्तन, या एक दूसरे के भाव में होंगे तो दृष्टि संबंध में होंगे तो अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसी तरह से धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी का संबंध ये जो है पंचम भाव से बनता है, तो ये अचानक धन देते हैं लॉटरी से, शेयर मार्केट से। इसका मतलब हुआ कि चंद्रमा और शनि का राशि परिवर्तन हो, या चंद्रमा और मंगल की युति यहाँ हो, यहाँ पे हो कहीं, या अच्छे भाव में हो, तो ये भी आपको शेयर मार्केट से और उससे लाभ दिलाता है। इसके पश्चात हम आएंगे सप्तम भाव जो है ससुराल से भाव से होता है, तो यहाँ पे अगर इसका सप्तम भाव का संबंध धन भाव से बनता है तथा शुक्र का भी संबंध बनता है तो ससुराल से धन प्राप्ति होता है, या चतुर्थ से जो है यहाँ बुध बनते हैं, दोनों बुध हैं यहाँ सप्तम ऐसा ये, तो बुध का संबंध जैसे यहाँ शुक्र से बन रहा हो, यहाँ बुध शुक्र की युति यहाँ पे हो, तो भी ससुराल से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से ससुराल से धन प्राप्ति के योग हो सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे कि गुप्त धन के लिए हमें अष्टम भाव का प्रभाव रहता है। अगर अष्टम भाव का स्वामी शुक्र और ये मंगल, इनकी आपसी राशि परिवर्तन हो, युति हो, तो आपको धन जो है वो गुप्त रूप से प्राप्त होगा। गुप्त रूप के जो धन है उसको यहाँ से देखा जाएगा। फिर वसीयत से जो धन प्राप्ति होती है वो यहाँ से देखी जाती है, तथा आपको गड़ा हुआ धन है वो भी यहाँ से देखा जाता है। तो इस तरह मंगल और शुक्र का जो संबंध बन रहा है वो इस तरह के जो योग बताए वो होगा। इसी प्रकार से
अगर पंचम भाव का और नवम भाव जो है भाग्य का, इनका राशि परिवर्तन होता है या युति होती है चंद्र मंगल की, जहाँ पे भी होगी अच्छी भाव में होगी तो चंद्र मंगल की युति कारण में अनायास धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ये लग्न भाव का स्वामी बृहस्पति और यहाँ पे दूसरे भाव का स्वामी मंगल, इनका भी अगर राशि परिवर्तन होता है या युति होती है यहाँ पे पहले भाव में या दूसरे भाव में, तो ये भी आपको पैतृक संपत्ति दिलाने के योग बनाते हैं। माता से संपत्ति के योग चौथे भाव से होता है कि चौथे भाव का स्वामी जो बुध है और मंगल की अगर युति बनती है या राशि परिवर्तन होते हैं तो वो आपको माता से धन प्राप्ति के योग बना देता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपकी कुंडली में जो धन प्राप्ति के योग हैं, गुप्त धन प्राप्ति, ससुराल से धन प्राप्ति, अनायास धन प्राप्ति के योग हैं, वो सब किस तरह से आप कुंडली में देखेंगे तो वो आपको जानकारी हमने देने की कोशिश की। अगर आप मीन लग्न के जातक है तो इस तरह के अगर जितने भी योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं वो आपको अनायास धन देंगे। इस तरह हमने देखा कि अष्टम भाव से जो संबंध है गुप्त धन का है, लग्नेश धनेश का है, पैतृक संपत्ति का है, फिर ये माता से संपत्ति का है, ये शेयर मार्केट से संपत्ति का है, तो इस तरह के योगों को आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी दीजिए। अगर आप चाहते हैं टेलीफोन से परामर्श तो मामूली दक्षिणा देके टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।